कोयलांचल में विश्वकर्मा पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वही मूर्तिकार भी दिन रात विश्वकर्मा प्रतिमा की अंतिम रूप देने की तैयारी में जुटी हुई है। आज मध्य रात्रि से ही विश्वकर्मा पूजा प्रारंभ हो जाएगी, जिसको लेकर बाजार में मूर्तिकार मूर्ति को अंतिम रूप में देने में जुटी हुई है। वही दूसरी ओर मूर्तिकार ने बताया कि इस कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइन काफ़ी विलंब से आने के कारण प्रतिमा को 4 फीट तक ही सीमित रखा जाएगा। ऐसे में कारीगर दिन रात जुटे हुए हैं, क्योंकि प्रतिमा की लागत की भी मंजूरी नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी ओर मौसम का भी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में प्रतिमा को सुखाने के लिए हीटर का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि समय प्रतिमा को अंतिम रूप देकर समर्पित कर सके। विश्वकर्मा पूजा का तैयारी चल रहा है, लेकिन कोरोना काल के चलते गाइडलाइन देरी से जारी होने के कारण हमारा काम पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। वैसे जो गाइडलाइन पिछले साल का था 4 फीट का मूर्ति का, इसके लिए बहुत सा मूर्ति हमें छोटा बनाना पड़ा है। इसके लिए हमें मार्जिन नहीं है मूर्ति में, जो खर्चा है वो हर साल बढ़ जा रहा है हर चीज़ में, लेकिन मूर्ति में जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से बढ़ नहीं पा रहा है। ऊपर से कोरोना काल में क्या हुआ, मूर्ति सब छोटा हो गया, इसके कारण मूर्ति सब छोटा पूजा हो रहा है, सब तरह का दिक्कत हो रहा है। और ऊपर से अभी वेदर के चलते भी काम करने में दिक्कत है, खर्चा बढ़ रहा है, चल रहा है, बस खाली काम चल रहा है। आपका नाम परिचय? मेरा नाम तन्मय पाल, हमारा ये शॉप है शांति विहार कॉलोनी एच के पाल चिल्पाल।